हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिपाही भर्ती आपकी निकली है आपके क्या कहते हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार पुलिस फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट 2020 के फॉर्म निकले हुए हैं। दोस्तों, इसकी पोस्ट संख्या है आपकी लगभग वही आपकी 236 पोस्ट हैं और इसमें एलिजिबिलिटी जो है इसकी नीचे मैं आपको चर्चा करता हूं और इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 4/2020 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इन पदों पर नियुक्ति है तो विज्ञापन संख्या ये है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27/7/2020 से दोस्तों आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपकी पोस्ट संख्या है दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये देखिए सामान्य सामान्य पदों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनकी 91 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 23 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 37 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 49 सीटें हैं। ठीक है, 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फिर महिलाओं की, देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित हैं 32/6/13/1/14 से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद देख सकते हैं आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें 24/9 है, टोटल आपके 236 पद हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ कि आखिर कट ऑफ आपकी कैसे बनेगी, तो दोस्तों कब से मानी जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ तिथि आपकी 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 के पहले जो पास आउट हो चुके हैं उसके आधार पर आपके, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवाओं में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। ठीक है, आरक्षण के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि हम इसमें महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देखिए फिजिकल के लिए आपको ध्यान देना है, पुरुष न्यूनतम ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और जो अन्य हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी जनरल और OBC के लिए। ठीक है, न्यूनतम सीमा बिना फुलाए जो आपके सीना की है ये 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और जो अन्य हैं यानी अनरिजर्व्ड हैं और OBC हैं उनको 81 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर तक सीना फूलना चाहिए और अन्य के लिए भी इसमें 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, पैदल चलने की क्षमता दोस्तों 4 घंटे में 25 किलोमीटर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपके अन्य के लिए भी है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए आप यहां देख सकते हैं न्यूनतम हाइट आपकी होनी चाहिए वही 155 सेंटीमीटर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला हैं और अन्य अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 160 सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, और साथ ही इसमें पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर चल सकें जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हों और जो अन्य हैं यानी जनरल की और OBC की उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर उन्हें भी चलना है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं प्रथम चरण जो होगा इसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में 1 प्रश्न पत्र होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होगा, 4 भाग होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे यानी 400 का पूर्णांक होगा। भाग 1 में 15% सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, भाग 2 में 15% तार्किक कौशल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, भाग 3 आपके दोस्तों 50 प्रश्न था भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे, जीव विज्ञान अथवा गणित में से 1 सब्जेक्ट का चयन होगा क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ट्वेल्थ में जो रहता है ट्वेल्थ बेस पेपर बनेगा ये। ठीक है, तो ट्वेल्थ में कोई बायोलॉजी लेता है कोई मैथ लेता है, तो इसमें आप यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, यदि आप मैथ के थे तो मैथ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किसी एक चयनित सब्जेक्ट, ठीक है, आपको जो चयन करेंगे उसी का आपका क्या कहते हैं एग्जाम होगा। ठीक है, भाग 4 में
20 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न दोस्तों आपके अंग्रेजी से संबंधित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पाठ्यक्रम की बात आती है। पाठ्यक्रम को आप कमेंट बताइए, यदि आपको चाहिए तो मैं आपको पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसका अगला वीडियो आपको बना दूंगा सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपके देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न है तो दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम देखिए एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक क्यों ना हो। ठीक है, यानी आप एक ही OMR सीट जैसे आपको मिलेगी, यदि आप एक ही क्वेश्चन में 2 OMR को आप क्या कहते हैं वहाँ पर गोले भर देते हैं तो गलत माना जाएगा। तो आपको पता ही होगा, यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आपके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपके मन में आएगा कि आखिर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके समान वर्ग के लिए हैं उनको मिनिमम 40% लाना होगा, OBC के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग यानी XHR अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए 34%, जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है उसके लिए 32% लाना अति आवश्यक है। यानी आप इनसे कम लाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें शारीरिक परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप। और इसमें आपको अगर ये अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसमें कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद आपके क्या कहते हैं फिजिकल के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों के 2:1 1/2 के मेधा के अनुसार प्रत्येक आरक्षण कोटे के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने आपकी विज्ञापित रिक्तियाँ निकली हैं आरक्षण कोट के आधार पर उसमें आपके 2:1 लिए जाएंगे। ठीक है, आपके फिजिकल के लिए चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा या फिर अगला वीडियो ज़रूर बना दूँगा, लेकिन वीडियो अब लंबा हो रहा है तो इसलिए आप अगले वीडियो में बता दूँगा आपको मैं कि आखिर इसका कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपके क्या कहते हैं इसको हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देता हूं। तो दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।